मित्रों नमस्कार, मैं रमनीक विग आपके समक्ष हूँ। आज मित्रों, आज मैं यहाँ लॉस एंजलिस आया हुआ हूँ एक वर्कशॉप कराने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्राणायाम की चर्चा करना चाहता हूँ, के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इस प्राणायाम का नाम है इंटरनल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं भाइयों, अंदर सांस रोकना। पर भाइयों, बहुत ज़रूरी है कि इसको सही तरीके से किया जाए। तो पहले इसकी करने की विधि की चर्चा कर लेते हैं। विधि भाइयों कुछ इस प्रकार होती है कि पहले आप दोनों ही नासिकाओं से 4 की गिनती में सांस लेंगे और पेट बाहर गुब्बारे के समान फूल जाएगा। उसके तुरंत बाद आप जलंधर बंद लगाएंगे, यानी कि अपनी ठुड्डी को नीचे ले आएंगे गर्दन के ऐसे, और 16 की गिनती तक सांस को रोके रखेंगे, यानी कि पेट अपने ही स्थान पर रहेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपनी ठुड्डी को ऊपर लाएंगे ऐसे, और साथ ही साथ बहुत धीरे धीरे करके और बहुत आराम से 8 की गिनती में सांस निकालेंगे, और ऐसे में आपका एक राउंड जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा दो इम्पोर्टेंट बातें, दो महत्वपूर्ण बातों का याद रखिएगा, क्योंकि इनको याद नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहली महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी आप सांस लें पेट फूले, और जब भी आप सांस निकालें पेट अंदर की ओर जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मात्राएं। 4 की गिनती में सांस लेनी है, पेट बाहर की ओर फूलेगा, 16 की गिनती तक सांस को रोके रखना है, और फिर बहुत धीरे धीरे करके 8 की गिनती में सांस को निकाल देना है। ऐसे में हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है इंटरनल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ प्राणायाम का। मित्रों, एक बात और ख्याल रखिएगा कि अक्सर मैंने देखा है कि जब सांस निकालते हैं तो कुछ लोग रुक रुक के निकालना शुरू कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा निकाला सीढ़ी के समान, फिर थोड़ा निकाला, फिर थोड़ा निकाला, तो ऐसे में लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब आप सांस निकालें तो एक ही लय में निकालें पूरा, यानी कि कहीं भी रुकावट ना हो। अच्छा दोस्तों, तो मैं चलता हूँ, आप सबका दिन शुभ रहे। लॉस एंजलिस से मेरा आप सबको नमस्कार।